खबर प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट प्राइम टीवी के पास आ चुका है, जहां प्राइम टीवी पर नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट है। 8 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया गया है, जहां पर आनंद गिरी को बताया गया है मौत का जिम्मेदार। आज्ञा तिवारी और संदीप तिवारी को भी मौत का जिम्मेदार बताया गया है। तो प्राइम टीवी पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव सुसाइड नोट देख पा रहे हैं, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट इस वक्त सामने आ चुका है। 8 पन्ने का यह सुसाइड नोट है, जहां पर संगीन आरोप लगाए गए हैं 3 लोगों पर, जहां पर आनंद गिरी को मौत का सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके अलावा आज्ञा तिवारी और संदीप तिवारी को भी मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर महेंद्र नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट इस वक्त प्राइम टीवी के पास है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं उनके सुसाइड नोट की, जहां पर उन्होंने 8 पन्ने के सुसाइड नोट में सीधे तौर पर 3 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया, जहां पर आनंद गिरी पर उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं। इसके अलावा आज्ञा तिवारी और संदीप तिवारी को भी मौत का जिम्मेदार बताया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, बड़ी खबर है, जहां पर कल ही महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से लगातार उनके सुसाइड नोट को लेकर तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही थी। वहीं अब प्राइम टीवी के पास उनके 8 पन्ने का सुसाइड नोट आ चुका है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर हेड पर यह पूरा सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने मरने से पहले लिखा था। बीते दिनों महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद से लगातार कई तरीके के आरोप लग रहे थे। कई लोगों का एक मानना था कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। वहीं मौके से जो सुसाइड नोट बरामद किया था, लगातार उसको लेकर भी बातें हो रही थी। आरोप लगाया जा रहा था कि फर्जी सुसाइड नोट है, बावजूद इसके अब हमारे पास 8 पन्नों का सुसाइड नोट इस वक्त आ चुका है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 8 पन्ने का ये पूरा सुसाइड नोट है, जिसमें महंत नरेंद्र गिरी ने सभी बातों को लिखा है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर 3 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। तमाम तरीके की बातें इस पूरे सुसाइड नोट में निकलकर सामने आई हैं, और इसी सुसाइड नोट में लिखी बातों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो गौरव, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि 8 पन्ने का सुसाइड नोट अब बरामद हो चुका है, इन पूरे 8 पन्नों में क्या कुछ मुख्य तथ्य निकलकर सामने आए हैं? जी, जैसे कि नरेंद्र गिरी की आत्महत्या का बताया जा रहा है कि हत्या है कि आत्महत्या है, उसमें जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है बहुत महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है, क्योंकि इसमें साफ तौर पे आनंद गिरी के साथ साथ आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पे सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं कि मेरी मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। अब मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं, इसके अलावा भी 8 पन्ने का नोट है, उसमें तमाम ऐसी बातें लिखी गई हैं कि मुझे एक षडयंत्र की तरह फंसाने जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसके पहले भी मैंने 13 सितंबर को आत्महत्या करने का मैंने प्रयास किया था, पर किसी कतिपय कारणों के कारण मैं नहीं कर पाया, पर आज मैं आत्महत्या कर रहा हूँ इसको। और इसके साफ तौर पर जिम्मेदार संदीप तिवारी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी हैं। जिक्र है कि 13 सितंबर को भी उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, जिसके बाद बीते दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने कि 13 सितंबर को उन्होंने प्रयास किया था, कतिपय कारणों के कारण नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए, पर जिस तरह से स्थिति उनकी मनोस्थिति चल रही थी, वो लगातार परेशान चल रहे थे। 8 पन्ने के सुसाइड नोट में उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि पहले भी एक ऑडियो के माध्यम से मुझे फंसाया गया था, मेरी बदनामी की गई थी, अब दोबारा उम्मीद की जा रही थी कि 1-2 दिन में भी मेरे साथ मेरे एक ऐसा कोई वायरल वीडियो प्रकाशित किया जाएगा, जारी किया जाएगा, जिससे मेरी बदनामी होगी, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मुझे एक कत्ल उठाना पड़ रहा है और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। और इसके लिए उन्होंने संदीप तिवारी, आद्या प्रसाद तिवारी और आनंद गिरी को अपना मृत्यु का जिम्मेदार बताया है। जी,
गौरव, उनका जो सुसाइड नोट है उसमें आनंद गिरी पर उनको बदनाम करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आनंद गिरी पर तो उन्होंने सीधे तौर पर बदनाम करने के प्रयासों का जिक्र कर दिया, लेकिन जो दूसरे नाम है जैसे आज्ञा प्रसाद हो गए या संजीव तिवारी हो गए, उन पर क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं? जी देखिए, मैं बता दूँ, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी, आद्या प्रसाद तिवारी जो है जो लेटे हनुमान मंदिर है प्रयागराज के, उनके महंत हैं और संदीप तिवारी उनके पुत्र हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका गठजोड़ भी रहा है, क्योंकि जो ऑडियो क्लिप भी प्राप्त हुई है, उसके पहले जो फोन रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हुई है, उन फोन रिकॉर्डिंग के हिसाब से जाना गया है कि इन लोगों की संदीप आनंद तिवारी गिरी से लगातार बात होती रहती थी और कुछ ना कुछ इन लोगों की संलिप्तता जरूर रही है, क्योंकि इस तरह से मृत्यु के पहले सुसाइड नोट देना, लिखना, उसमें साफ तौर पर आरोप लगाना, ये साफ करता है कि संलिप्तता बहुत गहरी रही होगी, चाहे आनंद गिरी की बात हो, चाहे आदित्य प्रसाद तिवारी की बात हो और संदीप तिवारी की बात हो। जी गौरव, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, उनके सुसाइड नोट पर एक लाइन है जिसमें उन्होंने कहा है कि बदनाम होने से बेहतर मेरा मर जाना है, तो किस बदनामी का उन्होंने जिक्र किया है? गौरव, को मेरी आवाज आ रही है? नहीं, दोबारा बोलिए। गौरव, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो पूरा सुसाइड नोट सामने आया है उसमें एक लाइन है कि बदनाम होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, तो वो किस बदनामी की बात कर रहे हैं? ऐसा कौन सा डर था जिससे उन्हें लग रहा था कि वो बदनाम हो जाएंगे? देखिए, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि इससे पहले भी एक ऑडियो क्लिप उनकी जारी की गई थी जिस पर उन्होंने सफाई दी थी, उनकी बदनामी की गई थी, पर उनको लगता था कि अब भी दोबारा एक सडन के तहत उनकी एक ऑडियो क्लिप जिसको कि बनाकर जारी किया जाएगा और उसको बदनाम किया जाएगा, और मैं क्या जवाब दूंगा, उनकी जो सामाजिक छवि है, एक प्रखर हिंदूवादी नेता के रूप में, हिंदूवादी संत के रूप में उनकी छवि रही है, धर्म के प्रणेता रहे हैं और हमेशा सबसे बड़ी बात है, संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिसर के अध्यक्ष रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बात है, आदमी को एक सामाजिक प्रतिष्ठा से खराब होने के अंदेशे के चलते अपनी मानसिक स्थिति से उसको नहीं संभाल पाए, इस कारण उन्होंने आत्महत्या की है, जिसका जिक्र उन्होंने सुसाइड नोट में किया भी है। जी गौरव, आप एक ऑडियो की बात कर रहे हैं, इसके अलावा उनके सुसाइड नोट में एक लड़की और एक फोटो का जिक्र है, साथ ही उन्होंने बोला है कि एक वीडियो महिला के साथ में है जिसको वायरल करने की उनको धमकी दी जा रही थी, जिसके कारण वो बदनाम हो सकते थे, तो किस लड़की और ये क्या फोटो का क्या पूरा राज है? देखिए, लड़की का कोई नाम अभी नहीं आया है, पर यह बात जरूर कही गई है कि लड़की के साथ अगर कोई फोटो रही है तो उसको एडिट करके या उसको बना के उनके खिलाफ उनको बदनामी करने के माध्यम से प्रकाशित किया जाना वाला था या वायरल किया जाने वाला था, इसी के चलते अपनी बदनामी ना हो इसके डर से उन्होंने 13 सितंबर को भी आत्महत्या का प्रयास किया था, पर उनको लग रहा था कि शायद इन्हीं दिनों में, एक दो दिनों में वो वीडियो वायरल किया जा सकता है, बनाकर किया जा सकता है, एक षड्यंत्र के तहत आनंद गिरी और उनके जो लोग हैं, संघ के लोग हैं, उनके द्वारा वायरल किए जाने की उम्मीद रही है, इसी उम्मीद के चलते उनको लगा कि नहीं, शायद वीडियो वायरल हो जाएगा, मेरी बदनामी होगी, मैं क्या जवाब दूंगा, इसके चलते उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया। गौरव, महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लगभग अब 24 घंटे पूरे होने को आए हैं, ऐसे में एक और खबर सामने आई है, लगातार ये अफवाह भी उड़ रही है कि महंत नरेंद्र गिरी जो थे उन्हें लिखना नहीं आता था, तो जिस तरह से उनकी आत्महत्या को भी इस वक्त संदिग्ध बताया गया है, लोग कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है, ऐसे में जो ये पूरा मामला सामने आया जिसमें ये तथ्य निकल कर सामने आया कि उन्हें लिखना नहीं आता था, तो क्या लगता है कि ये सुसाइड नोट को लेकर इस वक्त क्या कुछ आगे पुलिस की रणनीति रहने वाली है? देखिए, अब सुसाइड नोट उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा है, राइटिंग की, हालांकि जो राइटिंग है जो उनकी लिखावट है बहुत ही अस्त व्यस्त है, ठीक है, जल्दी में आदमी लिखा है या किसी ने लिखवाया है वो तो फिर राइटिंग एक्सपर्ट ही बता पाएगा, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से उन्होंने सुसाइड नोट में नाम लिखे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़, उनकी हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, अभी 5 डॉक्टरों के पैनल द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसके पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि इसकी क्या स्थिति रही है और क्या आत्महत्या है कि हत्या है, सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है, किन लोगों की संदिग्धता है, वहाँ पर कौन थे, लगातार पूछताछ जारी है, पुलिस अपना काम कर रही है, बाद में ही पुलिस द्वारा कोई आधिकारिक बयान जारी हो सकेगा कि हत्या है या आत्महत्या है। जी गौरव, सुसाइड नोट में 3 लोगों का नाम साफ तौर पर सामने आ चुका है जिन्हें मौत का जिम्मेदार बताया गया है, ऐसे में जो आनंद गिरी है उन्हें बीते रात गिरफ्तार कर लिया गया था, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब आज्ञा प्रसाद और संजीव तिवारी का जो नाम अब सामने आया है, ऐसे में पुलिस उन पर क्या कुछ कार्यवाही करने वाली है, उन्हें कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, आज्ञा प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी कल भी पुलिस द्वारा लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी,
पर मामला जाना जाता है कि आनंद गिरी की ही मुख्य भूमिका है, इसलिए उनको पूछताछ करके छोड़ दिया गया था। पर अब माना जा रहा है जिससे सुसाइड और बरामद हुआ है साफ तौर से नाम आए हैं। पहले FIR जो की गई थी उस FIR में भी दफा 306 के तहत केवल आनंद गिरी को ही नामजद किया गया था, पर अब निश्चित रूप से धारा में यानी FIR में आद्य प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी का नाम बढ़ाया जाएगा और उन पर भी कार्रवाई होना तय है। जी गौरव, एक और मैं आपसे बड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ। लगातार ये सवाल भी उठ रहा है कि ऐसा महंत जिसकी पकड़ राजनीति क्षेत्र में बहुत मजबूत हो, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे लोगों के साथ में उनकी बातचीत हो, ऐसा व्यक्ति किसी से ब्लैकमेलिंग के डर से वो आत्महत्या कर ले, सुनने में अटपटा नहीं लगता? देखिए ऐसा होता है, जो 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 करीबी किसी के होते हैं करीबी ही नुकसान पहुंचाते हैं। आप पुराना इतिहास भी देखेंगे तो जो करीबी होते हैं उनका द्वारा ही कोई ऐसा यानी वीडियो वायरल हो या ऐसा, क्योंकि वीडियो वायरल होता है या कोई फोटो वायरल होती है, ऑडियो वायरल होती है, वो करीबी ही कर सकता है। अब वो वीडियो वायरल कैसा है, सच्चाई उसमें कितनी है, ऑडियो में सच्चाई कितनी है, हर आदमी को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का डर रहता है। इसी डर में उम्मीद की जा सकती है कि मानसिक उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, परेशान थे और इसी व्यथित हुए उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम उठाया है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको प्रयागराज से बता रहे थे, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट प्राइम टीवी के पास आ चुका है। आपको बता दें कि 8 पेज का ये पूरा सुसाइड नोट है, जहां पर उन्होंने विस्तार पूर्वक अपनी पूरी समस्या को बताया है, जहां पर उन्होंने 3 लोगों को मुख्य रूप से आरोपी बताया है। आपको बता दें कि उन्होंने आज्ञा प्रसाद, संजीव तिवारी और आनंद गिरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि ये पूरा सोसाइटी नोट अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर हेड पर लिखा गया है और हर लेटर के नीचे उन्होंने अपना नाम और हस्ताक्षर भी किए हैं। वही पुलिस भी कह रही है कि ये पूरे 8 पेज का सोसाइटी नोट उनकी वसीयत की तरह है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्राइम टीवी के पास इस वक्त उनका सुसाइड नोट आ चुका है। 8 पन्ने का ये पूरा सुसाइड नोट है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर पूरी घटना को विस्तार से बताया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 13 सितंबर को भी उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी पर वो उसमें विफल हो गई थी। इसी कड़ी में उन्होंने बीते दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।